नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे चरथावल क्षेत्र के गांव बलवाखेड़ी निवासी परिजनों ने पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत की जांच की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस कस्टडी में मारे गए संजय के परिजनों के द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बलवाखेड़ी में 21 फरवरी को शाम के समय संजय का गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा संजय को अपने साथ ले गई। 2 घंटे बाद ही पुलिस के द्वारा संजय के परिवार को जानकारी दी गई कि उसकी मौत हो गई है, जिस पर परिवार में कोहराम मच गया। सोमवार को पीड़ित परिजनों के द्वारा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला तो है, हमारे परिवार वाले ही हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में आपस में झगड़ा हो गया, उनमें चिपटम चिपटा होगी, एक दो उनके भी लग गए, पर खास चोट किसी के नहीं थी, हल्की फुल्की सी थी। फिर उन्होंने ही छांगे के नाम की रपट करवा दी। फिर थोड़ी सी देर के बाद ही चलो मामला शांत सा होगा, उसे कोई पता नहीं था कि मेरे नाम की रपट होगी। फिर थोड़ी देर के बाद ही उसे पुलिस वाले 2 जने गए बाइक पे, उसे उठा के ले आए चुपचाप। फिर उसके बाद हमें कुछ पता नहीं, फिर उसके बाद हमें जी पता लगा 8:30 बजे, 8:30 बजे पता लगा एक मामला, मतलब छांगे की हालत ख़राब है। उसके बाद जैसे ही हम घर से चले तो घर तक भी हमें यो नहीं पता है उन्होंने, मतलब मामला क्या है। उन्होंने बोला कि सरकारी अस्पताल में पहुंच जाओ। सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो हमें खबर लगी कि वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें नहीं पता उसे चौकी में लाए या थाने में लाए, कहाँ लाए कहाँ नहीं लाए, हमारे घर। अब उस बात की आगे की खबर का हमें नहीं पता है। तो अभी कप्तान साहब से मिले हैं, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने तो ये कहा है कि स्टेट जांच चल रही है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ हो, इंसाफ हो। पुलिस बता रही है कि झगड़े का कोई मामला था उसमें, मारपीट में। आपको बताया तो है कि हंसी मजाक का झगड़ा था, ऐसा कोई ज्यादा झगड़ा नहीं था, ऐसा तो उससे तो ज्यादा झगड़े हो रहा है। पूरा मामला तो ये था जी, गांव में थोड़ी सी बहस हो गई थी, परिवार में इनके थे तो आप मतलब ऐसे रास्ते से जा रहा था, थोड़ी बहस हो गई थी। किसके साथ बहस हुई थी? मतलब वो मतलब कुंडे के थे, वे बहुत अच्छे के थे, ऐसे ही नॉर्मल बहस हो गई थी। तो उसके बाद उसके सुनील के साथ बहस हुई थी, तो ऐसे टंडी उठा के मार दी। तो उसका बड़ा भाई है जो कुलदीप, उसने पुलिस में फ़ोन कर दिया। उसके बाद 2 पुलिसकर्मी आए वहाँ पर और बाइक पर उसे उठा के ले गए, ठीक है जी। उसके बाद हमें कुछ कौन सी चौकी से पुलिसकर्मी आए थे? बिरासी चौकी से 2 पुलिसकर्मी आए थे बाइक पर, उठा के ले गए थे, ठीक है। उसके बाद 8:30 बजे रात को पुलिस तई गाड़ी आई लेन, हमें कोई हमें प्रधान ने बताया कि वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मेरे पापा को, उनके भाई को, छंगे के भाई को, अरविंद को लेके गए गाड़ी में। हमें इसके कुछ नहीं बताया कि उनकी मौत होगी या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें बताया कि तबीयत बिगड़ गई, मुझे मुजफ्फरनगर ले गए। जब मुझे मुजफ्फरनगर गए तो हमें पता लगा कि सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाकर देखा तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने 4 का नाम लिखवाया, 2 पुलिसकर्मी हैं इसके जिम्मेदार और 2 वे, ठीक है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ आए हम एसएसपी ऑफिस में, यहाँ बता पुलिस बता रही है कि झगड़े में के ही दौरान मौत हुई है। झगड़े में कुछ ऐसा नहीं था, कोई ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं था, टंडी थी बस, वो आपस में मारी थी, गाँव वाले भी थे, सबने यही बात बता, सबको यही तो पोस्टमार्टम में रात को जब ले गए वहाँ, मेरे पर दबाव गिरा था, मैं उनका भतीजा। किसने दबाव गिरा है? पुलिसकर्मियों ने मेरे पर दबाव गिरा, मतलब पता नहीं क्या क्या दबाव गिरा, कहा कि ठीक है ये वो, पता नहीं क्या क्या कह के बताया। और रात को ही मैंने बोला कि सुबह पोस्टमार्टम होगा, सुबह तक मुझे वेट नहीं करने दिया। मैंने बोला अपने परिवार को बोला उनका ना सुबह करना जो भी करना, और मेरे पर ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए मेरे पर पंचनामे का साइन करवाए। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहूँ जी इंसाफ, उन चारों की गिरफ्त। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।